सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो अपने डेयरी फार्म से रिलेटेड नहीं है, जो कि ये इंडिया और नेपाल का मेन रोड है, जो कि मेन यहाँ पे सामने में जो दिख रहा है गुंबद जो नेपाल है, अभी जो हम हैं जो कि नेपाल में है, और ये डायरेक्ट रोड चली जाती है इंडिया में, जो कि यहाँ पे बॉर्डर है। तो अभी हम नेपाल में हैं, जो कि नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की वजह से, काफ़ी ज़्यादा पानी फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आया था। जो कि ये रोड देख रहे हैं मेन रोड है, जो कि इंडिया नेपाल की मेन रोड है। यहाँ पे कल परसों सीना कमर से ऊपर तक पानी थी, लेकिन आज थोड़ी कम हुई है। तो आज किसी कारणवश नेपाल गए थे, तो आपको सोचे कि कुछ वीडियोज दिखाते हैं, जो कि ये नेपाल का दृश्य दिख रहा है, जो कि कुछ कारणवश जाना पड़ा, इमरजेंसी में जाना पड़ा, इस वजह से जा रहे हैं नेपाल। कुछ इमरजेंसी है इस वजह से, अदरवाइज इतने बाढ़ में इतने पानी में नहीं जाते। हालांकि ये रोड है, जो कि इस पर थोड़ा पानी का गिला कम है इस वजह। सो गाइस, तो अभी नेपाल में है और आज इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है नेपाल, जो कि नानी के घर, नाना जी का डेथ हो गया था, और पानी हेल करके जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी है। और नेपाल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेपाल में काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है इस बारिश की वजह से, इस पानी की वजह से। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस रास्ते के अलावा। वजह से जा रहे हैं, और ये नेपाल में काफ़ी ज़्यादा क्षति देखने को मिला है। और नेपाल से ही पूरा बिहार, जो कि बिहार सटा हुआ है नेपाल से, अपने बिहार से बहुत ही नज़दीक नेपाल पड़ता है, 1 किलोमीटर के, 1 से 2 किलोमीटर के बाद बॉर्डर ही है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद ही बॉर्डर आ जाती है। तो हम लोग जस्ट नेपाल और इंडिया के बिहार के बॉर्डर पे ही हैं। तो अभी कुछ कारणवश नेपाल जाना पड़ रहा है इमरजेंसी केस में, तो इस वजह से जा रहे हैं। और इधर पानी बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस में पानी था, जो कि अभी तो थोड़ा कम भी हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक्सेस में पानी था, काफ़ी क्षति हुई है, जो कि आप नेपाल से ही जो पानी आई हुई है उसके वजह से बिहार मैक्सिमम क्षेत्र जो कि बाधित है,